मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एबी एडुकेशंस में। तो दोस्तों आप बिना वीडियो का स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर सेकंड ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का जो कि सैंपल पेपर से निकाला गया है क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस नंबर 2 क्या बोल रहा है। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल 1/2 एंड कोस बीटा इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। काफी आसान है और इससे जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में 30 डिग्री दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन में 60 डिग्री दिया हुआ और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ। तो आपको पता करना होगा इस ऑप्शन में से क्या होगा। देखिए काफी आसान है और मैं जल्दी ही सोल्व करके दिखा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो गिवन है वो लिख देता हूं। आपका सबसे पहले क्या करना होगा, जो गिवन है वो लिखता हूं। गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों वो लिखेंगे। गिवन में हमारा दिया हुआ है कि साइन अल्फा, देखिए मैं अल्फा कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, साइन अल्फा इक्वल 1/2 एंड और क्या दिया हुआ है कोस बीटा इक्वल 1/2 दिया हुआ है। आपको फॉर्मूले याद होंगे, अगर आप टेबल याद किए होंगे ट्रिगोमेट्री रेशियो का तो फॉर्मूला कुछ याद होगा एंगल्स वाला, ठीक है। जैसे अगर मैं बात बोलूं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, मतलब यहां पर थीटा के जगह पर अल्फा दिया हुआ है, तो साइन अल्फा मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू कब, देखिए ध्यान से, साइन अल्फा इक्वल 1/2 कब होगा, मींस यहां पर अल्फा या थीटा है, यानी कि बोल सकते हो सिंपल वे में इस तरह से ही बोल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल 1/2 कब होता है। तो पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इज इट क्लियर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये पहला हमें फॉर्मूला पता चला। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों कोस थीटा इक्वल, देखिए ध्यान से, कोस थीटा इक्वल 1/2 कब होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आप जाकर फॉर्मूले में जाकर देख सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मूला वाला टेबल में आप जाकर देख सकते हो इस तरह से होता है। तो आपको यहां पर क्या किया गया है कि 30 यहां पर थीटा की जगह पर मैं अल्फा लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं अल्फा, और यहां पर थीटा की जगह पर मैं क्या लिखा हूं बीटा लिख देता हूं। इज इट क्लियर। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते हैं साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर मैं क्या रखूं 30 डिग्री रख देता हूं इक्वल 1/2 एंड उसके बाद देख सकते हो कोस बीटा की जगह पर क्या रखता हूं 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इज इट क्लियर। अब यहां से क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन दो इक्वेशंस को मैं रिलेट कराता हूं। तो अल्फा देखिए, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। इज इट क्लियर। यहां से बीटा इक्वल क्या आ रहा है, एंड यहां से बीटा इक्वल क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, बीटा इक्वल आ रहा है 60 डिग्री। इज इट क्लियर। अब हमें क्या निकालना था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 9। अब यहां से क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स कहने का था कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इज इट क्लियर। यहां पर आ जाएगा आपको 90 डिग्री। तो यहां पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर, अगर मैं मैच करूं तो ऑप्शन नंबर मैं मैच करता हूं क्या, पहला में दिया ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा में ऑप्शन दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री और चौथा फोर्थ ऑप्शन है डी नंबर जो कि 90 डिग्री होता है। हमारा आंसर क्या आया 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिल और बने रहिएगा इसी चैनल पे और बहुत सारे इस तरह का सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस का। जय हिंद जय भारत।